तो दोस्तों यार आप लोग देख सकते हो यहाँ पे पार्क के अंदर ही जो ये हाथी बने हैं, यहाँ पर फुहारे जो कि रात में यहाँ का सीन कुछ अलग ही होता है। जो हाथी दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को, इनकी सोंड से पानी निकलने की व्यवस्था है और रात में यहाँ पे क्या चमचमाता है यहाँ का नज़ारा। आप लोग रात में यहाँ का नज़ारा कुछ अलग ही देखने को। गाइज यार वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग वीडियो। गाइज जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं लखनऊ आया हूँ गाइज, और आज की वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ मान्यवर श्री काशीराम स्मारक स्थल। गाइज जो कि काशीराम मान्यवर काशीराम के नाम से बना है, एक बहुत ही बड़ा पार्क है जहाँ पे बहुत ही बड़े बड़े हाथी भी हैं और जिसको हमारी पूर्व मंत्री बहन मायावती जी के द्वारा बनाया गया था, और वहाँ का नज़ारा बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा है गाइज। तो यार अभी हम जो है कि मेन गेट पर खड़े हैं, आप लोगों को मैं दिखाता हूँ गाइज। वो रहा गाइज मेन गेट है जहाँ से एंट्री होगी और वहीं से मैं टिकट खरीदूँगा और उसके बाद आप लोगों को मान्यवर श्री काशीराम स्थल जो पार्क है वहाँ का अंदर का नज़ारा दिखाऊँगा गाइज, क्योंकि वहाँ का नज़ारा बहुत ही अच्छा है दोस्तों और मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ। तो दोस्तों यार ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं ज़्यादा देर ना करते हुए। अभी जो कि मैंने टिकट ले ली है और टिकट जो कि 15 रुपये में पड़ी है गाइज, और ये टिकट घर है गाइज, और अभी मैंने टिकट ले ली है और अभी चलते हैं पार्क के अंदर का नज़ारा आप लोगों को दिखाते हैं। अगर आप लोग भी आना तो जरूर से ज़रूर यहाँ पे मान्यवर श्री काशीराम स्मारक स्थल जरूर आना। तो गाइज यार आप लोग देख सकते हो ये है मेन गेट, यहाँ से एंट्री होती है, यानी कि टिकट लेने के बाद आप लोग देख सकते हो यहाँ से एंट्री होती है गाइज, और यहाँ का नज़ारा आप लोग देख सकते हो किस इस प्रकार है, बहुत ही अच्छा है गाइज। यार आप लोग देख सकते हो अभी हम खड़े हैं श्री मान्यवर काशीराम जी स्मारक स्थल गाइज, जो कि गाइज वहां पर अंदर मैं आप लोगों को बताता चलूँ, हमारी जो पूर्व मुख्यमंत्री थी यूपी की श्री मायावती जी, श्रीमती मायावती जी, उनकी और श्री काशीराम जी की बहुत ही प्यारी प्रतिमा अंदर बनी है गाइज, और अभी हम फर्स्ट टाइम जा रहे हैं अंदर, तो आप लोगों को दिखाते हैं वहाँ का क्या नज़ारा है। देख सकते हो अभी हम स्मारक के अंदर हैं और ये हमारी श्रीमती मायावती जी की बहुत ही प्यारी प्रतिमा, और ये मान्यवर श्री काशीराम जी की बहुत ही प्यारी प्रतिमा बनी है गाइज। अगर मैं इसकी जानकारी आप लोगों को बताता चलूँ तो जो ये मान्यवर श्री काशीराम स्मारक के नाम से जो ये स्थल है गाइज, इसको 2008 में स्टार्टिंग हुई थी, जो कि श्रीमती मायावती जी ने अपने ही कर कमलों द्वारा श्री मान्यवर काशीराम जी की याद में बनवाया था गाइज, और जो कि कम्प्लीटली 2009 में कम्प्लीट हो चुका था। तो गाइज यार आप लोग देख सकते हो काफ़ी ही हाइट में है ये मूर्तियाँ, और यहाँ का नज़ारा आप लोग देख सकते हो काफ़ी ही अच्छा है, और मैंने आप लोगों को वहाँ पर दिखाया भी गाइस कि बहुत ही बड़े बड़े हाथी हैं गाइस। तो अभी चलते हैं आप लोगों को और भी अच्छे से अच्छा नज़ारा दिखाने की कोशिश करें। गाइज यार आप लोग देख सकते हो अभी हम स्मारक यानी स्थल जो है यहाँ पे मेन ऊंचाई पे खड़े हैं, और आप लोगों को यहाँ से दिखाते हैं पार्क का पूरा बहुत ही अच्छा नज़ारा, क्योंकि दोस्तों यार पार्क जो है कि काफ़ी लंबा है और पूरा पार्क हम घूम भी नहीं सकते, इसलिए हम आप लोगों को यहाँ से दिखाते हैं और मेन मेन आपको पॉइंट जैसा कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर आप लोगों को जहाँ तक दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर हाथी ही बने हुए हैं, और जो कि जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि यह पार्क को श्रीमती मायावती जो कि पूर्व मुख्यमंत्री थी उत्तर प्रदेश की, जिन्होंने मान्यवर श्री काशीराम जी की याद में बनवाया था गाइज। तो आप लोग देख सकते हो आप लोगों की नज़र जहां तक जा रही होगी गाइज, केवल यहां पर हाथी ही हाथी आपको दिखाई देंगे, और बहुत ही सुंदर नज़ारा है गाइज, आप लोग यहाँ से देख सकते हो। गाइज यार वीडियो को स्किप मत करना ये सोच करके अभी मैं आप लोगों को बस दिखा दिया, अभी बहुत कुछ दिखाने का बाकी है यार।
प्लीज़ यार वॉच करो, पूरा वीडियो देखो। जब आपका भाई इतनी मेहनत कर रहा है, इतनी धूप में यहाँ पर आकर के आप लोगों को दिखा रहा है यहाँ का नज़ारा, तो आप लोगों का भी पूरा फर्ज बनता है कि पूरा वीडियो देखो। तो गाइस चलते हैं, आपको आगे दिखाते हैं। गाइस आप लोग देख सकते हो यहाँ से भी एक गेट है पार्क के अंदर ही जाने का, मतलब कि पार्क के अंदर ही एक गेट बना है जहाँ पर आप लोगों को कई सारे पेड़ दिखाई देंगे और वहाँ की खूबसूरती मैं आप लोगों को अभी गेट के अंदर उस पार जाकर के दिखाता हूँ। दोस्तों यार आप लोग देख सकते हो यहाँ पे पार्क के अंदर ही जो ये हाथी बने हैं, यहाँ पर फुहारे, जो कि रात में यहाँ का सीन कुछ अलग ही होता है। जो हाथी दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को, इनकी सोंड से पानी निकलने की व्यवस्था है और रात में यहाँ पे क्या चमचमाता है यहाँ का नज़ारा, आप लोग रात में यहाँ का नज़ारा कुछ अलग ही देखने को पाएंगे। तो गाइस यार आप लोग देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी ही पर्यटक लोग आए हैं, जैसा कि आप लोगों को पता है पार्क है तो काफ़ी ही लोग आते हैं कुछ समय यहाँ पे सुकून का बिताने के लिए। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं काफ़ी यहाँ पे पर्यटक लोग हैं। तो गाइस यार आप लोग देखते रहिए यहाँ का नज़ारा क्या है। गाइस यार मैं आप लोगों को बताता चलूँ तो इस पार्क में समथिंग यार 50 से 100 के बीच में तो केवल बड़े हाथी हैं, और जो आपको दिखाई दे रहे हैं खंभे यहाँ पर, गाइस इन खंभों में भी मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ बैक कैमरे से, केवल हाथी के शोर यानी मुकट सर बना हुआ है। गाइस ये पार्क बहुत ही बड़ा है दोस्तों, सच में लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर में ये फैला हुआ, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था। और यहाँ का नज़ारा आप लोग देख सकते हो बहुत ही अच्छा है। गाइस यार सफ़र होता है यहीं पर ख़त्म, और ये वीडियो को भी मैं करता हूँ यहीं पे एंड। और गाइस आप लोग कमेंट ज़रूर करें कि आप लोगों को मेरे द्वारा दिखाए गए श्री मान्यवर काशीराम जी स्मारक स्थल, जहाँ पर मैंने आप लोगों को बहुत ही बड़े बड़े हाथी दिखाए और यहाँ का नज़ारा भी दिखाया पार्क का किस प्रकार से है। तो गाइस यार प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें और बताएँ कि हाँ वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, और प्लीज़ यार भाई को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि आप लोगों को और अच्छी से अच्छी वीडियो मिल सके समय पर। तो गाइस फिर मिलते हैं आपको किसी अगले नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।